कहा बाबा तुम पागल हो गए क्या है? उसने तुमको डंडा मारा, रोने की बजाय आंसू मारने की बजाय तुम खुश होके नाच रहे हो, पागल हो गए क्या? साधु ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इसे एक घंटा पहले नहीं पूछा। बोलो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इसे एक घंटे पहले नहीं पूछा, वरना जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, स्वीकार करो। आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाओ। अगर जिंदगी में कभी कष्ट के दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, हिम्मत रखो और ये सोचो कि शनिवार के बाद रविवार आता है, इस दुख के बाद जिंदगी में सुख भी आएगा। हिम्मत सोचो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत ही काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है। दुनिया को अपने दुख दर्द मत बताओ, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये तुम्हारे दुखों को रो रो करके पूछेगी और फिर दुनिया को हंस हंस करके बताएगी, इसलिए दुनिया के सामने अपने दुख बयां मत करो, हिम्मत रखो, हिम्मत ही काम आएगी। एक लड़के की शादी हुई तो उसके दोस्त ने कहा इधर आ, उसने एक मंत्र उसको दिया, बोले तेरी शादी हो रही नहीं, इसको ध्यान रखना, अगर इसको ध्यान नहीं रखा ना तो बहुत दुख भोगेगा। ठीक है, अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो घबरा गए। नहीं बाबू थी घबरा, उसने 6 बजे ही नाश्ता बना दिया। उसने कहा जी तो अच्छी बात है, मंत्र काम को करता है। चार दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो सुने हैं वो तो घबरा जाए। उसने 2 बजे आने वाले थे, 12 बजे ही अच्छा भोजन बना के तैयार कर दिया। उसने कहा पाखंड ये मंत्र तो बहुत काम कर दो, समय से पहले काम हो जाता है। अगले दिन उसने कहा कि मैं 4 बजे मार्केट जाने वाला हूँ, मेरे बूट पर बारिश हो जाना चाहिए, नहीं तो परेशान हो गई, उसका चैन खत्म हो गया, नहीं तो बात में, उसका जीना हराम हो गया। वो बाजू में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास गई और बोली अम्मा मैं इनका हर काम कर देती हूँ लेकिन फिर भी हर बात में नहीं तो। बुढ़िया ने कहा कि पूछ लेना नहीं तो क्या। उसने कहा नहीं अम्मा मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं पूछ सकती हूँ, अगर मैंने पूछा नहीं तो क्या? उन्हें बोलना बंद कर दिया तो, घर से निकल गए तो, मुझे घर से निकाल दिया तो, नाराज हो गए तो फिर? अरे बुढ़िया ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं उस डब्बू को जानती हूँ, मैं उस डब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ, तो चिंता मत कर, पूछ लेना नहीं तो क्या। बुढ़िया ने ढाटस बनाया और घर वापिस भेजा। अगले दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा मुझे 9 बजे की बंबई के लिए ट्रेन पकड़नी है, नहाने के लिए गर्म पानी 8 बजे हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी ने हिम्मत बांधी और बोली नहीं तो क्या। पति बोला ठंडे पानी से ना। ये क्या हो रहा है, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो ये जिंदगी भर दुख देगा, इसलिए हिम्मत तो करना पड़ेगी, हिम्मत ही काम आएगा। इसलिए मैंने कहा हिम्मत से काम लो, घुटने मत टेको परिस्थितियों के सामने, घुटने मत टेकिए,
अरे जिंदगी में दुख आए तब भी मुस्कुराइए, और इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, जिंदगी में दुख आए तब भी मुस्कुराओ, और इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ कि दुख को भी लगने लगे, कि दुख को भी लगने लगे। अरे यार तो बदलाओ, बदलाओ जरूरी है, बदलाओ। घर मंदिर हो जाता है सिर बदलाव से, जल गंगोदर हो जाता है सिर बदलाव से, यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है, सफर तीर्थ यात्रा हो जाती है सिर बदलाव से। इसलिए अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला कुछ बोले आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप नहीं रहता है आदमी, इतना बेईमान, इतना बेईमान है, चुप नहीं रहता है। अगर सामने वाला गुस्से में है और गुस्से में अगर आपको बोला कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, गलत क्या कहा? सोचिए, सोचिए, अगर सामने वाला गुस्से में है और उसने आपको कहा कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, मगर चुप नहीं रहता आदमी, जवाब देता है और उसका उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाती है और आदमी उससे पहले अपनी गाली दे लेता है। उसको लगता है अगर इस गाली का जवाब मैंने तुरंत नहीं दिया तो मेरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, चुप रहिए। महावीर के जीवन की घटना है, 12 साल तक चुप रहे। बाहुबली स्वामी 1 साल तक चुप रहे। आप 1 घंटे तो चुप रहिए, आधा घंटे तो चुप रहिए, 15 मिनट तो चुप रहिए, 10 मिनट तो चुप रहिए, 5 मिनट तो चुप रहिए, 5 मिनट, 5 मिनट। एक दिन मैंने प्रवचन में लोगों से कहा 12 बजे से लेके 12:05 तक आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। सबने कहा हाँ महाराज, आपका नियम का पालन करेंगे। सब लोग अपने अपने गए 12 बजे, बोले अब नियम शुरू होता है। इसी बीच फोन की घंटी खनखनाई, उन्होंने अपना फोन निकाला, ऑन किया और बोला 10 मिनट बाद बात करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। अब बोलिए, अब बोलिए, अब बताओ क्या करें? मौन रहिए, सुबह सुबह 1 घंटा मौन रहिए। मां बहन भोजन में जो भी परोस दे चुपचाप खा लीजिए, नमक कम है तो बोलिए मत, मांग मांग के खाइए मत, मांग मांग के खाइए मत। अजी रोटी लाओ, अजी पानी लाओ, अजी नमक लाओ, अजी सब्जी लाओ, अजी ये लाओ, अजी वो लाओ, मांग मांग के कौन खाता है? बोलो बोलो, मांग मांग के, मांग मांग के कौन खाता है? भिखारी। आप भिखारी तो नहीं है ना, आप तो अपने घर के मालिक है ना, आप तो अपने घर के शेख है ना, तो मांग मांग के क्यों खाते हो? मांगे मत। माँ बहन बेटी जो परोसते उसको प्रसाद मांग के चुपचाप। छन्नी 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 ने सुई से कहा, बहन तेरे सिर में एक छेद है। छन्नी ने सुई से कहा, बहन तेरे सिर में एक छेद है। तो सुई ने कहा, मेरे सिर में तो एक ही छेद है, पर बहन तेरे पेट में तो छेद ही छेद है। मतलब समझिए, दो
दूसरों के भूलों को नजरअंदाज करना सीखो। परिवार में सुकून चाहिए, परिवार में सद्भाव चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, परिवार में खुशी चाहिए, परिवार में प्रसन्नता चाहिए। एक छोटी सी बात को ध्यान रखो, भगवान महावीर ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि यानी हंस दृष्टि। हंस के बारे में कहा जाता है दूध पानी मिलाकर रख दो, हंस दूध दूध पी लिया करता है, पानी पानी छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से इस देश के महापुरुषों ने कहा कितना भी गरीब हो और कितने भी गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो, पर गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। ठीक इसी तरह से पापी आदमी में भी एक ना एक सद्गुण जरूर होगा। शीशी में अगर डांट हो तो शीशी का अंदर का जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है, ढक्कन। अगर शीशी में डांट हो तो अंदर का पदार्थ तो सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप की डांट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है। बच्चों से कहूंगा अगर कभी तुम्हारे मां बाप डांट दे, मां बाप की डांट का बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना गलती करने पर मां बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। गलती करने पर ये सोच रहा है कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गलती करने पर मां बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। पिछले दिनों विधानसभा में संबोधन देने के लिए मैं गया, मैंने विधानसभा के संबोधन में जो मेरे सामने जनप्रतिनिधि बैठे थे मैंने कहा कि संत और नेता दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पर ही समाज सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि मैं भाई भाई हूं और फिर यह भी बताया कि राम का भाई लक्ष्मण तो हो सकता है, रावण नहीं हो सकता है। मैंने यह भी कहा कि कृष्ण के भाई बलराम तो हो सकता है, कंस नहीं हो सकता। इतना भी निवेदन मैंने किया, आप पड़ोसी के बच्चे को चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते। पड़ोसी के बच्चे को आप चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते, चांटा कोई अपना ही मारेगा। मैंने ये भी निवेदन किया कि भाई अगर मैं तुम्हें चांटा मार रहा हूं तो चूंकि मैं तुम्हारा अपना हूं, भाई हूं, इसलिए चांटा मारने का मेरा अधिकार बनता है, हक बनता है। अगर मां बाप ने कभी डांटा बुरा मत मानिए, बल्कि ये सोचिए गलती होने पर मां बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और कभी अगर छोटे गलती कर दे, छोटों से भूल हो जाए तो भी बुरा मत मानिए, सोचिए कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। गलतियां अगर छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मतलब यह हुआ हर हाल में अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालिए। क्योंकि हर जगह घर जैसी सुविधा नहीं मिलती है,
इसीलिए जैसी परिस्थितियां हो अपने आप को ढालिए। लेकिन आदमी इतना गुलाम हो गया शरीर का, एक दिन अगर चाय पीने ना मिले दोपहर में। कौन बोला सही बात है? तो जब से गलत बोल रहा हूं क्या? आदमी आदमी आदतों का इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, ये एक दिन दोपहर में अगर चाय पीने ना मिले। आदमी का काम करने में जी नहीं लगता। चाय आजकल तो हाल ये हो गया, किसी के यहाँ आप मेहमान बन के जाइए, वो आपको खूब पूछे, खूब पूछ परख करे, खूब तरह तरह के पकवान व्यंजन मिष्ठान नमकीन बनाए आपको खिलाए, लेकिन चाय ना पिलाए। तो वापिस जब आप अपने गांव आओगे, लोग पूछेंगे भैया बहुत पूछ परख हुई होगी, खातिरदारी हुई हो। अरे क्या खातिरदारी, चाय तक के लिए नहीं पूछा, चाय चाय ना हुई ईश्वर या राय हो गई, जमाना बदल गया। जमाना बदला, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक जमाना था कि राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, मनमोहन राज्य में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी। अब जी आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, महंगाई महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। घर से आदमी चलता है टमाटर लेने के लिए, 40 रुपए किलो टमाटर के हिसाब से घर से चलता है, बाजार पास पहुंचते पहुंचते 42 रुपए किलो हो जाता है। इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही और मुझे लगता है अगर महंगाई में होता रहा इसी तरह चढ़ाव तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव, चावल 25 में से जोड़ी, चावल 25 में से जोड़ी, गेहूं 2 रुपए की कौड़ी, दूध 5 रुपए फूट, घी 10 रुपए में सूंघ, दूध 5 रुपए फूट, घी 10 रुपए में सूंघ। बात क्या कही वित्त मंत्री ने, बात क्या कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही, आम 20 रुपए के 3 कच्चे और 100 रुपए में 2 बच्चे। महंगाई बढ़ रही है, महीने के आखिरी में पत्नी पति को तनख्वाह मिली तो पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। महिलाओं को साड़ियों का बड़ा शौक होता है, पति कहीं भी जाए, बाहर कहीं भी जाए, महिलाओं की एक डिमांड होती है मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका आप था, पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? पति बोला बाहर में। बोले ठीक है मेरे लिए एक साड़ी ले दिया ना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी, पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापिस घर लौटा तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी। पति बोला मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली तुमने कहा था कि साड़ी मंगाई है।
बोला, मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहिए, रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग टूटवा सकते हो।